जिंदगी में गुजारा हुआ हर लम्हा इंसान के लिए बहुत अहम है और जिंदगी में इंतहाई गहरे नक़ूश छोड़ जाता है जो अच्छे यादगार भी हो सकते हैं और बहुत दर्दनाक भी। इंसान दुनिया में अकेला आता है तो वालिदैन उसके साथी बन जाते हैं जो ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। वालिदैन बच्चों की शादी कर देते हैं तो खावंद और बीवी एक दूसरे के शरीक हयात और साथी बन जाते हैं। फिर बच्चे पैदा होते हैं तो यही वालिदैन उनके साथी बनकर उनका ख्याल रखते हैं और फिर बच्चे बड़े होकर अपने वालिदैन के साथी बन जाते हैं। अलगर्ज अल्लाह ताला कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। वालिदैन बच्चों को ज़िंदगी की नई गाड़ी में बिठाकर रुख्सत करते हैं और बच्चों को नशेबो फराज का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो मुतमईन होते हैं कि वालिदैन उनके पीछे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वालिदैन एक दिन उनको छोड़कर चले जाएंगे और सफ़र उनको अकेले ही काटना होगा। ये खुशियाँ ऐसी होती हैं जिनको अल्फाज का पैराहन जेब नहीं देता। अगर बच्चों को कुछ हो जाए तो तवज्जो फौरन माँ बाप की तरफ जाती है कि वो संभाल लेंगे। अगर माँ बाप को कुछ हो जाए तो तवज्जो फौरन बच्चों की तरफ जाती है कि बच्चे संभाल लेंगे। बच्चों की खातिर माँ बाप न जाने क्या क्या कुछ नहीं कर डालते। अपना पेट काटकर और भूखे रहकर भी बच्चों का ख्याल करना पड़े तो कर डालते हैं। बच्चों के मुंह पर सिर्फ एक मुस्कुराहट की कीमत शायद दुनिया जहान की नेमतों और खुशियों पर भारी है। सबकी उम्रों में इजाफा हो रहा होता है, बच्चे अपनी ज़िंदगी के किसी नए मरहले में दाखिल हो रहे होते हैं जबकि वालिदैन अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे होते हैं। और यही सिलसिला सबकी ज़िंदगी में चलता रहता है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुमामीन।